तो इस वीडियो का द बॉयज लॉकर रूम से कोई कनेक्शन नहीं है, और हमेशा की तरह मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वॉट एवर आई एम गोना से इन दिस वीडियो इज वॉट आई थिंक। जरूरी नहीं है कि मैं जैसा सोचता हूँ तुम भी वैसा ही सोचो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो भाई सबकी सोच लेंडी हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो एक 17 साल का लड़का था जिसका नाम था मानव सिंह। 2 दिन पहले एक लड़की ने पोस्ट डाला वेयर सी एक्यूज्ड हिम ऑफ रेप एंड मोलेस्टेशन, और ये बात 2 साल पुरानी है जब मानव 14 या 15 साल का रहा होगा। और उस पोस्ट में लड़की ने ये भी क्लेम किया कि उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, और रातों रात ये पोस्ट वायरल हो गई और मानव को थ्रेट्स कॉल आने लगे और उससे टॉर्चर होके उसने सुसाइड कर लिया। अब 2 साल पुरानी बात अभी पोस्ट करना जब ये सीन चल रहा है लाइक द बॉयज लॉकर्स रूम, व्हाट अ कोइंसिडेंस दीदी। बट अब चलो ठीक है, माना कि तब दीदी बच्ची थी, अब चमत्कार हो गया, दीदी के साथ तो इंद्रिया खुल गई और दीदी को दिमाग आया कि मुझे इसके खिलाफ पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, पर आपने सोशल मीडिया में पोस्ट करने से पहले ही पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? चलो ठीक है दीदी, एनीथिंग फॉर यू, आपने नहीं की पुलिस में रिपोर्ट, वो होता है ना यार अपने लोगों के यहाँ की मेंटेलिटी कि हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे फिर घर में पुलिस आएगी, लोगों को पता चलेगा, वो बेइज्जती करेंगे हमारी। पर वो बेइज्जती करेंगे क्यों? उन्हें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और उससे मेरी बेइज्जती होती है मेरी कम्युनिटी में, तो भाई भाड़ में नहीं ऐसे करूँगा। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट ना करके सोशल मीडिया में पोस्ट किया, पर सोशल मीडिया में भी तो वही कम्युनिटी के लोग हैं ना, वही लेंडी सोच वाले। भगवान ने एक ही स्टॉक भेजा है हर जगह। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे थे तो पुलिस में रिपोर्ट ना करके सोशल मीडिया में पोस्ट करना, ये चीज़ थोड़ा रेंडर नहीं है मुझे कि आपने ये किया। मैं बताता हूँ क्यों किया आपने। इस समय सोशल मीडिया में बह रही है गंगा फॉलोअर्स की, सब ये कर रहे हैं। आपने भी सोचा गंगा बह रही है तो हम भी हाथ क्यों ना धो लें, आपने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और आपने भी पोस्ट किया जस्ट टू गेन फॉलोअर्स, और एड ऑन में सिंपथी भी आएगी। और आपके इस पब्लिक स्टंट के वजह से एक 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मुझे दिक्कत आपके पोस्ट करने से नहीं है, मुझे दिक्कत है उस लड़के के सुसाइड से। अगर इसी जगह आपने पुलिस में रिपोर्ट की होती, वो लड़का कोर्ट जाता, वहाँ पे गिल्टी प्रूव्ड होता, देन उसको पनिश किया जाता, आई विल बी मोर देन हैप्पी। पर यहाँ पे ना आप जज हैं ना आप पुलिस हैं, एंड यू हैव नो राइट टू डिफेम एनीवन। और सही बताऊं भाई, अगर यही चीज़ किसी लड़की के साथ हुई होती और उसने सुसाइड किया होता ना, तो आज लोग कैंडल लेके मार्च कर रहे होते। पर लड़का है तो जाने दिया, सही भी है भाई। सेक्स रेशियो देख लो, कितने लड़के हैं भाई, कुछ मर भी जाएंगे तो किसको फर्क पड़ रहा है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होता चला आ रहा है। लोग हमारे देश को रेप कैपिटल बोलते हैं। अब एक बात बताता हूँ मैं तुमको, अकॉर्डिंग टू दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन 2015-16 में जितने भी रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे उनमें से 53.2% केसेस फॉल्स रेप के थे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, बस सेक्सी लग रहा था इसलिए बता दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे पहले उसको फेमिनिज्म सिखाओ, क्योंकि जैसे चीज़ें हो रही हैं मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो #justiceformanav। और तुम्हें क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। सो दिस इज इट, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ, पीस।